हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज दिव्या आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में और आज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं एक्चुअली कहीं बाहर थी तो इस वजह से हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे बट आज से हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हो जाएंगी एंड इवनिंग से हम लोगों की साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी जो आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आज देखते हैं रिकॉर्डेड या कल से फिर हम लोग लाइव ही शुरू कर देंगे बट आज से आपको जो क्लासेस है साइंस के मिलना वो शुरू हो जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को आज है 18 जुलाई तो कल तक का जो भी करंट अफेयर बन रहा है उसे हम आज के सेशन में कवर करेंगे कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट रहे लास्ट में हम लोग कल का भी रिविजन करेंगे और आपके लिए आज का क्वेश्चन भी रहेगा जिसका आंसर आपको आपके कमेंट सेक्शन के अंदर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले एक बहुत ही अच्छा सा कोट ठीक है जो आप में जोश और जुनून भर देगा दिखेगा आज रास्ता बना लिया है आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी तो अगर हमने कोशिश करी है तो ये कोशिशें हमारी कभी भी ऐसे जाया नहीं होंगी वेस्ट नहीं होंगी हमें एक दिन इससे जरूर सफलता मिलेगी इसीलिए हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम कभी भी असफल हो रहे हैं तो हम मेहनत करना ही छोड़ दें बिल्कुल नहीं कोशिश हमें करते रहना है मेहनत हमें करते रहना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस राष्ट्रीय मिर्गी दिवस अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस या फिर सभी तो ध्यान रखिएगा इस दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन्हें <coughs> अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जानते हैं तो देख दिखा देते हैं आपको ये है नैंसिल मंडेला लगभग 27 वर्षों तक ये जेल में रहे थे और उसके बाद में ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं जितने भी विश्व के जितने भी सर्वोच्च सम्मान है वो मिले हुए हैं नोबेल प्राइज दिया हुआ है शांति का और उसके अलावा भारत का भी सर्वोच्च जो भारत रत्न है उससे भी इनको सम्मानित किया गया है ठीक है चलिए यहाँ पे देखिएगा भारत रत्न तो नहीं कंफर्म करके बताऊंगी बट इनको इंडिया से भी अवार्ड मिला है नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये 18 जुलाई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता जो है नेल्सन मंडेला इनको ये अवार्ड या इनके जन्म के उपलक्ष्य पे ये दिन शुरू किया था ठीक है नेल्सन मंडेला ने उन्नीस से निन्यानवे तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम किया था और इस दिन की थीम क्या रखी जाती है क्लाइमेट फूड्स एंड सॉलिडरिटी ठीक है ये इस दिन की थीम रखी गई है और ये दिन पहली बार 2010 को मंडेला के बानवेवें जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया गया था और इस दिन आप बोल सकते हैं इनका जन्म दिवस है और दो से कंटिन्यूसली मना रहे हैं और अट्ठारह जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं ठीक है। उसके अलावा जुलाई में हम और भी बहुत सारे डेज को मनाते हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं एक जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं एक जुलाई को ही हम लोग डे मनाते हैं क्योंकि से लगना शुरू हो गया था जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाते हैं और एक जुलाई को ही अंतरराष्ट्रीय सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव दिवस मनाते हैं थीम क्या थी कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इस बार की थीम रखी गई थी तीन जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त तो दिवस मनाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है इन सबको बदलने इन सबको रोकने के लिए हम यहाँ पे प्लास्टिक को बैन करना चाहते हैं और इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन मनाते हैं छ जुलाई को जूनोसिस डे मनाते हैं ग्यारह जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और अभी भारत जो है ये टॉप पे है यानी कि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे विश्व भर में बारह जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस क्योंकि सबसे युवा नोबेल शांति प्राप्त करता है ठीक है ये इनका संबंध अफगानिस्तान से है और ध्यान रखिएगा इनको ये अवार्ड दिया गया उसके सॉरी इनके इनको ये अवार्ड भी दिया गया और इसी के उपलक्ष्य में ही 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अगर 12 जुलाई की बात करेंगे नाबार्ड का स्थापना दिवस भी है नाबार्ड ये हमारे बैंकिंग रूरल सेक्टर्स में जो बैंकिंग है उससे रिलेटेड है चलिए 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाते हैं 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पे मिल जाएगी तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की यहाँ पर घोषणा की है एक्चुअली यहाँ पे इसरो चाह रहा है कि कुछ प्राइवेट कंपनी जो है वो भी स्पेस इंडस्ट्री में आए और बहुत सारे जो हैं जो खुले भी हैं स्पेस में लेकर बहुत और भी बहुत सुना होगा ना कि नासा में स्पेस किसका है एलन मस्क का है तो वो नासा उससे काफी बार हेल्प लेता है अपने सेटेलाइट को लॉन्च करने में तो ऐसे ही अभी ना इसरो के द्वारा एस एस ठीक है ये वाला जो रॉकेट है इसको दिया जाएगा किसी प्राइवेट सेक्टर को अब ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया जाएगा नीलामी के लिए निकाला जाएगा जो जो भी सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा तो उसको ये दे दिया जाएगा ठीक है चलिए तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और उसके अलावा जीएसएल है ये हमारा जियो सिंक्रॉनस लॉन्चिंग व्हीकल ये सारे हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं यानी कि हम इनके जरिए अपने सेटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं

इसको क्या बोला जाता है जियो सिंक्रॉनस सेटेलाइट जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है जो घूमती है ना इसी के रोटेशन में अगर हमने अपना कोई सेटेलाइट भेजना है तो हम जीएसएल के थ्रू भेजते हैं ठीक है जैसे कि ये आपका जो पृथ्वी है ये रोटेट करता है लगभग छत्तीस हजार किलोमीटर की रेंज में हम अपने जीएसएल के थ्रू सेटेलाइट को भेजते हैं तो आज की डेट में आपको जो इंटरनेट मिलता है लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं वो इन्हीं सेटेलाइट के जरिए ही संभव हो पाई हैं पी की बात करेंगे तो ये इट लॉन्च व्हीकल है अगर आपको ध्रुव के ऊपर क्या करना है अपने सैटेलाइट को यानी कि कोई सैटेलाइट जो आपका इस तरीके से रोटेट करे तो आप किसके थ्रू भेजेंगे पीएसएलवी के थ्रू भेजते हैं ठीक है और एसएसएलवी यानी कि अगर आपको अर्थ के बहुत नजदीक वाली कक्षा में अगर और कोई सेटेलाइट भेजना है जैसे कि कोई स्पाय, जासूसी वाले सेटेलाइट आपको मैप बनाना है या आपको निगरानी रखनी है तो उसके लिए जो सेटेलाइट होंगे वो हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे और चंद्रयान थ्री जो है ये हमने किससे भेजा है तो ये हमने भेजा है एल से भेजा है डन चलो इसरो जल्दी अपने स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करेगा ताकि इसरो के खर्चों में कमी आए उसको आमदनी हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके जरिए इसरो ने ये स्टेप उठाया है ठीक है तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा आगे देखिएगा अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं तो ये जो व्यक्ति है इन्होंने हरभजन को पीछे छोड़ दिया है और अब ये बन गए हैं कौन से अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे दा विकेट लेने वाले खिलाड़ी इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन ठीक है तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ द हिंदू में रविचंद्रन अश्विन सरपासिस हर भजन टू बिकम सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकअप फॉर इंडियन इन इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक है तो ध्यान रखिएगा अब कौन है अश्विन है और किसके बाद है अनिल कुंबले के बाद है ठीक है अश्विन के नाम दो हजार दो सौ इकहत्तर अंतर्राष्ट्रीय मैच में सात सौ नौ विकेट है जिसमें सत्ताईस बार चार विकेट और चौंतीस बार पांच विकेट मतलब कि ये थोड़ा सा आप इनको नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा और इससे पहले ध्यान रखिएगा अनिल कुंबले के पास कितने हैं तो इनके पास चार मैच के अंदर नौ विकेट हैं ठीक है तो इन्होंने किसको पछाड़ दिया है हरभजन सिंह को पछाड़ दिया है नेक्स्ट देखिए सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर ट्वेंटी पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं कौन सा है पुरुष पुरुष एथलीट कौन अंडर 20. तो अभी अंडर तो एशियाई एथलीट हुआ है उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जीतने वाले बन गए हैं सेल्वा प्रभु ठीक है ये अंडर ट्वेंटी यानी कि अभी जो इनकी उम्र है वो बीस साल से कम है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर एशियाई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है ठीक है ये है सेलवा प्रभु तो सेलवा प्रभु वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर ट्वेंटी पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ठीक है भारतीय कौन सा है ट्रिपल जंप एथलीट है ये और इन्होंने ये पर्टिकुलर ये सर्वश्रेष्ठ एथलीट बने हैं तो काफी इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं सेलवा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था और ये इस प्रकार से आपके यहाँ पे पहले भारतीय बने हैं आ, ये पुरस्कार या ये अब पर्टिकुलर सर्वश्रेष्ठ अंडर पुरुष एथलीट नामित होने वाले भी पहले भारतीय हैं और जीतने वाले भी तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा चलिए आगे देखिएगा हाल ही में यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि मैं समलैंगिक हूँ यानी कि गे हूँ और ये ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति बहुत सारे लोग छुपाते हैं बट इनके अंदर इनका कोई कसूर नहीं है तो इन्होंने ओपनली बोला है कि मैं क्या हूँ समलैंगिक हूँ और ऐसा करके ये पूरे यूरोप के अंदर जितने सारे भी कंट्रीज आती हैं उनमें ये ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं नाम है एडगर्स रिंगके ठीक है ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान रखेगा ठीक है नेक्स्ट देखो जुलाई 2023 हजार तेईस में कार्ट्रेड टेके ने कितने रुपए में ओएलएक्स इंडिया के ऑटो व्यापार का अधिग्रहण किया है यानी कि एक्वायर कर लिया है अब ओ इंडिया का जो ऑटो जो ट्रेड है वो किसके अंडर आ गया है कार ट्रेड के अंडर तो ध्यान रखिएगा पांच करोड़ के अंदर ये डील हुई है और इतने रुपए में इसको एक्वायर कर लिया गया है यानी कि इसका अधिग्रहण कर लिया गया है तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कार ट्रेड टू एक्वायर इंडिया ऑटो बिजनेस फोर रुपीज 537 करोड़ ठीक है चलो अब से ध्यान हम थोड़ा से देख लेते हैं कार्डरेट ने घोषणा भी की थी कि सोबे ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में 100 परसेंट हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लेगी और इसी के मद्देनजर इसने क्या किया है ओवेल इंडिया का जो ऑटो बिजनेस जो है उसको यहाँ पे खरीद लिया है ठीक है चलिए हाल ही में विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बन गए हैं सलामी बल्लेबाज इसका मतलब होता है ओपनर ठीक है एक तो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट था और उसके बाद में वो पहले ओपनर भी थे और उसमें उन्होंने क्या कर लिया है शतक बना लिया है तो इस प्रकार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं तो ये है यशस्वी शर, जायसवाल ठीक है तो काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिएगा तो यहाँ से यशस्वी जायसवाल फर्स्ट एवर इंडियन इन नाइनटीन वन ईयर ओल्ड ठीक है हिस्ट्री टू अचीव यूनिक फिट विद डेब्यू सेंचुरी वर्सेस वेस्ट इंडीज यानी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने क्या किया था डेब्यू किया था और इन्होंने शतक बना लिया है तो ध्यान रखिएगा ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज यानी कि ओपनर भी यही थे और इनका पहला ये मैच था और इंटरनेशनल यानी कि अपने देश के बाहर था तो ये तीनों चीजें यहां पे हैं इसीलिए पहले हैं इसमें से एक भी चीज गायब हो जाएगी तो पहले नहीं रहेंगे ठीक है जायसवाल टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले अगर सीधा टेस्ट डेब्यू पे शतक की बात करेंगे तो 17वें भारतीय और तीसरे ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं परंतु ध्यान रखिएगा ये देश के बाहर था तीनों चीजें आई तब जाके पहले बने हैं घर से बाहर पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज में, में शतक बनाने वाले ये भारतीय बल्लेबाज यानी कि चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ठीक है और आईपीएल में भी सबसे तेज तेरह गेंदों में इन्होंने अर्ध शतक लगाया था इनको हमने तब भी डिस्कस किया था चलिए हाल ही में एस कार्ड के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं देखो एक तो एस बैंक है और एस कार्ड्स दोनों अलग अलग रहेगा यानी कि दोनों के मुख्यालय अलग अलग हैं तो एस कार्ड के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती ठीक है अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि एस का मुख्यालय कहाँ पे है तो एस का मुख्यालय है मुंबई के अंदर निदेशक कौन है दिनेश खारा है परंतु अगर हम इनके सी की बात करते हैं तो अभिजीत चक्रवर्ती हैं और इनका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, है? ठीक तो ध्यान रखिएगा, आई कार्ड देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारी करता है और ये इसके जो सीईओ कौन बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती स्थापना हुई थी 1998 में और मुख्यालय कहाँ पे है गुरुग्राम हरियाणा किन की जगह लेंगे तो ध्यान मोहन राव अगारा इन सॉरी अमारा इनकी जगह लेंगे कौन अभिजीत नेक्स्ट देखो हाल ही में आईटीसी बोर्ड ने कितने कि, कि, किसने पांच साल के लिए अपना चेयरमैन किसे पांच साल के लिए अपना चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया है तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर आपका रहेगा संजीव पुरी आई जानते हैं क्या आपके बहुत सारे खाने पीने की चीजें हैं चिप्स वगैरह के जो रैपर्स आते हैं उनके नीचे खाने पीने की बहुत सारी चीजें आई लिखा होता है मैं जैसे आपको दिखाती हूँ आई थिंक अगर होगा जस्ट ऐसा ठीक है तो ये है संजीव पुरी और इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है पाँच साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में तो आपने ऐसा साइन जरूर देखा होगा आईटीसी वही आईटीसी कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे आते हैं और ये आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे के रैपर पे ये सब होता है ठीक है आईटीसी बोर्ड ने संजीव पुरी को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है संजीव पुरी को पांच साल के लिए आईटीसी कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है एक भारतीय प्रतिष्ठित समूह है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक प्रमुख स्थान रखता है इसके संचालन में तंबाकू निर्माण खाद्य प्रसंस्करण खुदरा बिक्री और वित्तीय सेवाओं जैसे मतलब व्यवसायिक क्षेत्रों की विविध श्रृंखला शामिल है ठीक है इन सभी पे कंट्रोल करना इन सभी का जो काम है वो यही चीजें यही कंपनी देखती है हाल ही में गोल्डन ग्लेशियर नाम से विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लुइस सुअरेस का निधन हो गया है किस देश के खिलाड़ी थे तो ध्यान रखिएगा ये आपके स्पेन के खिलाड़ी थे कहाँ के स्पेन के खिलाड़ी थे हाल ही में इनका निधन हो गया है और ध्यान रखिएगा ये पहले की इनकी फोटो है अठासी वर्ष की उम्र में ये इनके अभी की फोटो है अठासी वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये फुटबॉलर और इनका संबंध किससे था स्पेन से इनका संबंध था चलिए अब हम लोग करेंगे कल का रिवीजन क्योंकि अभी जो आपकी क्लासेज है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी बट कल से ही जो आपकी क्लासेज है ना ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी आज थोड़ा सा टाइमिंग का भी रहा ठीक है कल से क्लासेज आपको जल्दी मिलेंगी और साइंस की जो क्लास है वो आज से शुरू हो जाएगी तो आज से हम लोग पूरा जूनियर अकाउंटेंट का जितना भी कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी चैनल पर ठीक है चलिए कल के क्वेश्चंस में देख लें तो हाल ही में सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसर को उजागर करना थीम के साथ 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया तो ध्यान रखिएगा विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोगों ने मनाया था आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हाल ही में किस राज्य ने ऑथुर पान के पत्तों को जी टैग दिया है तो तमिलनाडु तमिलनाडु के हैं ऑथुर पान और इनको क्या

भारत और किस देश ने पी सेवेंटी फाइव कार्यक्रम के तहत तीन अतिरिक्त पनडुबियों के निर्माण के लिए समझौता किया है तो ये हमने फ्रांस के साथ समझौता किया है कि हम इसे पनडुबिया लेंगे ठीक है हाल ही में आईसीसी की कहां पे हुई बैठक में फैसला लिया गया कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन दिया जाएगा डरबन दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेटर्स हैं उनको चाहे वो महिला है पुरुष है सबको समान रूप से वेतन दिया जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा ध्यान रखिएगा हाल ही में डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यू कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है एच बन गया है और ध्यान रखिएगा विश्व में चौथे नंबर पे एच बैंक आता है और पूरे देश में हमारे देश भर में पहले नंबर पे आता है एच बैंक सबसे बड़ा बैंक कौन सा है एच है और तीसरे नंबर पर पहुंच गया है एस है, पे है, और आपके फर्स्ट नंबर पे है तो ये कौन सा है तो ये है विश्व बधिर युवा बैडमिंटन तो इसके अंदर भारत ने टोटल नौ पदक जीते हैं हाल ही में फोर रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर वो हमारा चार रनवे वाला हमारा एक हवाई अड्डा बन गया है ठीक है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ द गवर्नेंस इंडिया दो विषय के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है तो ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर ने ये अवार्ड जीता है इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूछे जाएंगे एक हमने यहाँ पे सागर संपर्क लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री हैं स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जिसका नाम है सागर संपर्क ये पर्टिकुलर आपके समुद्री एरिया में जो भी शिप वगैरह होते हैं उनके लिए काफी हेल्प करेगा संपर्क करने में अगर उनका नेविगेशन प्रणाली के तौर तो पर यानी कि कहीं पे रास्ता भटक रहे हैं तो रास्ता दिखाने का काम करेगा तो ये जो है वो किसने लॉन्च किया है तो सर्वानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आंसर आपको करना है आपके कमेंट सेक्शन के अंदर क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताना है अपने कमेंट सेक्शन में और साथ ही में क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर्वसेस एशियाई अंडर ट्वेंटी पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज सॉरी पहले भारतीय कौन बन गए हैं इसका आंसर आपको करना है आपके कॉमेंट सेक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और बाकी का हम लोग करेंगे कल के सेशन में कोई भी डाउट एनक्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी पे दिव्या चंदानी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसे ज्वाइन करें यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा मिलते हैं कल टेक केयर बाय